हेलो एवरीवन दिस इज डेजी झा एंड वेलकम टू नवोद्यम क्लासेस आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशन पार्ट टू के बारे में ठीक है जहाँ पे हम थोड़ी सी आइडेंटिटीज को सीखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आइडेंटिटीज आइडेंटिटीजे बनते हैं वो सीखेंगे इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको करवाऊंगी ये तो हम सीख रहे हैं आइडेंटिटीज को कैसे सोल्व करेंगे यहाँ पे हम बेसिक सीखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मिक्सड क्वेश्चन सोल्व करेंगे इस टॉपिक से तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस टॉपिक की ठीक है जो नए बच्चे एक बार उनको बता हो बेटा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये लक्ष्य बैच की क्लासेस है ठीक है ये बैच किसके लिए बैच ऐसे बच्चों के लिए जो अभी एट क्लास में है अगले साल नाइन्थ में जाने वाले हैं और अगर ये वाले कोई भी इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा है जो की नवोदय की तैयारी कर रहा है या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहा है ठीक है या फिर एन के लिए प्रिपेयर कर रहा है या फिर मैथमेटिक्स ओलम्पियाड के लिए प्रिपेयर कर रहा है ठीक है या फिर केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहा है अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो इन समय से किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये एक फाउंडेशन बैच है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे ही है ठीक है आप आराम से इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में आप यहाँ से सारी क्लासेस ले सकते हैं सारे टॉपिक्स पे आपको क्लासेस मिलेंगे जो बैच जो बनाया गया जो डिजाइन किया है वो जीरो टू एडवांस लेवल के लिए है ठीक है इसमें सब टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ठीक है अगर आप नहीं भी प्रिपेयर करें किसी भी चीज के लिए आप नॉर्मली अगर आप क्लास एट्थ में है या क्लास नाइन्थ में है तो उसी का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है तो अगर आप क्लास एट या नाइन्थ में है तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोज मिल जाएंगे ठीक है टॉपिक वाइज डिटेल्ड वीडियोज आपको मिलेंगे ठीक है तो आप इस बैच में एनरोल करिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एनरोल करते वक्त ताकि आपको जितने भी मैं वीडियोस डालूंगी आपको पता कैसे चलेगा कि वीडियोस आ गई हैं नए टॉपिक पे ठीक है तो टाइम टू टाइम आपको वीडियोस मिलती रहे इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो वहाँ पे बेल आइकन दिया रहता है उसको तो जरूर प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालू वैसे ही ठीक है चलते हैं हमारे फोर्स फटाफट से फर्स्ट फर्स्ट स्लाइड पे क्या पर देखिए फर्स्ट आइडेंटिटी हम सीख रहे हैं आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर टू ए स्क्वायर प्लस टू ईबी प्लस बी स्वायर ये बहुत ही एक नोन फॉर्मूला है जो आपने बहुत बार सुना होगा अब इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं ठीक है ठीके? ये फॉर्मूला आपने बहुत बार सुना होगा ए स्क्वायर प्लस टू ईबी प्लस बी स्क्वायर ठीक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये आपने बहुत बार सुना होगा ठीक है अब इसको किस तरीके से हमें करना है ठीक है आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है टू एक्स प्लस थ्री वाई का होल स्क्वायर ये आपको दिखने में ऐसा लग रहा है क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा दिख रहा है दिख तो रहा है मैम ठीक है अगर दिख रहा है तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि ए की वैल्यू ए तो फॉर्मूला है हमारा क्वेश्चन में क्या वैल्यू दे रखी है की टू एक्स दे रखी है और बी की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा थ्री वाई दे है इतना आपको क्लियर हो जाना चाहिए अगर इतना क्लियर हो रहा है तो आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे ठीक है अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है होता क्या है होता ये है ये यहाँ जो लिखा लिखा है वो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है चलो फॉर्मूला में पुट करो ए का स्क्वायर ए का स्क्वायर मतलब टू एक्स का स्क्त एक्स का स्क्त होल स्क्तर पूरे पे ऐसा ये नहीं लिख देना नहीं लिख देना ये गलत है आपको लिखना है टू एक्स का होल स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर आएगा पूरे ए पे आपको क्या बोल रहा है रहे मतलब पूरा ए की जो वैल्यू है उस पूरे की स्क्वायर तो ए की वैल्यू क्या है ए की वैल्यू टू एक्स टू एक्स का होल स्क्वायर लिखना है आपको ठीक है फटाफट से इसको तो हमें इरेज करना पड़ेगा ये सिर्फ समझाने के लिए था आपको ठीक है तो टू एक्स का होल स्क्वायर होल स्क्वायर क्यों लिखा हमने ये आपको समझ में आ जाना चाहिए प्लस टू ए बी बाद में लिखेंगे यहाँ पे प्लस लिखो आप बी स्क्वायर लिखो बी स्क्वायर क्या होगा बताओ थ्री वाई का होल स्क्वायर थ्री वाई का होल स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब पूरे पे स्क्वायर अब बीच में टू ए बी को सेट करना है तो सेट करो टू इंटू ए की जगह क्या आएगा ए की जगह बेटा टू एक्स आएगा ठीक है और बी की जगह क्या आएगा बताओ बी की जगह आएगा थ्री वाई ठीक है तो वो हमने यहाँ लिख दिया थ्री वाई ठीक है चलो आगे सॉल्व करते हैं अब टू एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है आपको क्या दे रखा है टू एक्स का होल स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब आपने पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था कि टू यहाँ भी चला जाता है और ये टू यहाँ भी दोनों भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो ये टू का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर है ठीक है. है तो टू का स्क्वायर तो कितना हो जाता है फोर और एक्स स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर तो ये इसकी वैल्यू तो कितनी आ जाएगी फोर एक्स स्क्वायर यहाँ देखो इस थ्री वाई स्क्वायर अब ये देखो वापस से थ्री वाई का होल स्क्वायर है ठीक ठीक है है अब भी भी चला जाएगा, यह यहां भी चला जाएगा तो जाएगा तो जाएगा 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 तो 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 ये 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 हो 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 का 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 और और कितना आ गया नाइन वाई बीच में आपको जो दे रखा उसको सॉल्व करो तो आपको बीच में दे रखा था बेटा ये देखो मैं इरेज करके आपको फिर बताती हूं आपको बीच में क्या दे रखा था ठीक है देखिए आपको बीच में दे रखा था बेटा बीच में दिया हुआ है टू इंटू टू एक्स इंटू थ्री वाई ये तो मल्टीप्लाई तो कर लो टू टू और 3, ये मल्टीप्लाई कर लो पहले तो टू टू जा, 4, 4, 3 जा 12. और x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा एक्स वाई ट्वेल्व एक्स वाई आएगा ये ठीक है तो यहाँ पे बीच में क्या आ गया ट्वेल्व एक्स वाई यही आपका आंसर है यही आपका क्या है बेटा यही आपका आंसर है ठीक है ये जो यहाँ आया है फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स वाई प्लस नाइन वाई स्क्वायर यही आपका क्या है आंसर है ठीक है अभी और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं सेवन एम प्लस टू एम टू एन का स्क्वायर दे रखा है तो आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है और इसका फॉर्मूला होता क्या है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये पता चल गया अब ए और बी की वैल्यू पता चल जानी चाहिए ठीक है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ए की वैल्यू क्या है बताओ यहाँ से 7M. A की वैल्यू क्या है सेवन एम ए मतलब पहला टर्म फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है सेवन एम बी मतलब सेकेंड टर्म सेकेंड टर्म की टर्म की वैल्यू क्या है टू एन ठीक है चलो अब इनको पुट करते हैं फॉर्मूला में तो यहाँ दे रहा है ए का स्क्वायर तो ए का स्क्वायर मतलब सेवन एम का होल स्क्वायर ये मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा चुकी हूँ प्लस बीच का स्पेस खाली छोड़ दो बाद में वापस प्लस लगाओ ठीक है थोड़ा और आगे प्लस लगा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ठीक है तो चलो बी का स्क्वायर मतलब टू एन का होल स्क्वायर बीच में टू ए बी को सेट करना है, तो टू इंटू ए ए क्या है बताओ ए है सेवन एम तो सेवन एम को सेट सेट कर देंगे इंटू बी बी क्या है बताओ टू एन तो टू एन को सेट कर देंगे ठीक है चलिए सेवन एम का होल स्क्वायर दे रखा है सेवन एम का होल स्क्वायर दे रखा है इसका मतलब स्क्वायर यहां भी स्क्वायर यहाँ भी सेवन का स्क्वायर और एम का स्क्वायर क्या वैल्यू आएगी सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन और एम स्क्वायर राइट तो ये हो जाएगा फोर्टी नाइन एम स्क्वायर प्लस लगाओ और इधर भी प्लस लगाओ अब क्या आएगा बताओ टू एन का स्क्वायर ठीक है 2N का स्क्वायर ये लास्ट स्टेप क्या है टू एन का स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो टू का स्क्वायर और एन का स्क्वायर टू का स्क्वायर और एन का स्क्वायर टू का स्क्वायर क्या होता है फोर एन स्क्वायर इधर क्या आ जाएगा फोर एन स्क्वायर बीच में देखो बीच में ये वाला पोर्शन अगर आप सोल्व करोगे तो आपको ये वाला पोर्शन दे रखा है टू इन टू सेवन एम इंटू टू एन तो अभी अभी मैंने आपको बताया नंबर पहले मल्टीप्लाई कर लो तो टू सेवन जा फोर्टीन और फोर्टीन टू जा ट्वेंटी एट होता है और एम और एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा एम एन ही आ जाएगा ठीक है तो ट्वेंटी एट एम एन ये आ गई आपके पास आंसर बहुत ही इजी क्वेश्चन है जब आप इसको समझ जाएंगे तो देखो कितने स्टेप में हो गया दो स्टेप में हो गया क्वेश्चन ये तो फॉर्मुला वगैरह मैंने आपको लिखाने के लिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखे इनकी जरूरत नहीं थी क्वेश्चन दो स्टेप के था ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन है ठीक है अब आपको ये देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं एल्जेबरा के फॉर्म में आता है देखो जैसे यहाँ पे आ गया 104 अब 104 को क्या मैं 104 को क्या सौ प्लस चार लिख सकती हूँ 104 को जी मैम लिख तो सकते हो 100 प्लस चार तो 104 ही होता है तो 100 प्लस चार का स्क्वायर लिख दूंगी मैं अब ये बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन हो तो गया मैम ठीक है अब ए की वैल्यू क्या है बताओ ए की वैल्यू है सौ और बी की वैल्यू क्या है बताओ बी की वैल्यू है चार चलो पुट करो ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर ये होता है तो ए का स्क्वायर मतलब हंड्रेड का स्क्वायर टू ए बी मतलब टू इंटू हंड्रेड इंटू फोर प्लस बी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब फोर का स्क्वायर हंड्रेड का स्क्वायर कितना होता है टेन थाउजेंड यहाँ कितना आएगा 200 और 200 को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो या आप फोर टू या एट इन टू हंड्रेड भी कर सकते हो तो 800 आ जाएगा और फोर का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है ठीक है तो ये कितना आ जाएगा दस हजार आठ सोलह कितना आएगा दस हजार आठ सौ सोलह इज दी करेक्ट आंसर ठीक है ये नंबर्स के फॉर्म में भी आ जाता है ठीक है चलिए देखते हैं सेकेंड आइडेंटिटी अब क्या होती है अब जैसे आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा वैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर देखा है स्टेप्स वही है आपको ए पता होना चाहिए और बी पता होना चाहिए तो फॉर्मूला पता लग गया आपको स्टेप्स वही है ए बराबर यहाँ पे क्या है नाइन पी है और बी बराबर यहाँ पे क्या है फोर क्यू है नाइन पी और फोर क्यू चलो फार्मूला हम पुट करते हैं फॉर्मूला क्या है बेटा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है उसको हम सोल्व करते हैं ए स्क्वायर इस बार माइनस है यहाँ पे ये यह ध्यान रखना है माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस है ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे माइनस है ये ध्यान रखना है चलो पुट करते हैं ए का स्क्वायर मतलब नाइन पी का होल स्क्वायर माइनस लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे प्लस लगा देंगे बीच का हम बाद में लिखेंगे बी स्क्वायर मतलब फोर क्यू का स्क्वायर बीच का लिखते हैं टू इंटू ए ए क्या है 9P और into B, B क्या है बताओ फोर क्यू ठीक है यही है आपके पास चलो सॉल्व करो नाइन पी का स्क्वायर ये तो मैंने आपको बार बार बता दिया है फिर बता देती हूँ नाइन पी का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा नाइन का स्क्वायर और पी का स्क्वायर तो नाइन का स्क्वायर एट्टी वन पी स्क्वायर ये आ जाएगा इधर स्क्वायर इसी तरीके से यहाँ सोल्व करेंगे आगे माइनस लगा दो यहाँ सोल्व करेंगे फोर क्यू स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा फोर का स्क्वायर कितना होता है सिक्सटीन और मल्टीप्लाई तो कर देंगे आगे क्या दे रखा है यहाँ पे पी बच गया और यहाँ पे क्यू बच गया तो सेवेंटी टू पी क्यू आ गया आंसर यही आपका आंसर है बस थोड़ा यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है देखो यहाँ पे ना फर्स्ट वाला साइन माइनस का होता है और सेकंड वाला साइन किसका होता है बेटा सेकेंड वाला साइन प्लस का होता है ये आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वाला साइन देखो यहाँ माइनस है और सेकंड वाला साइन देखो यहाँ पे प्लस है ये ध्यान रखना है ठीक है ये में ही है ये यहाँ नहीं है देखो फॉर्मुले में ही पहला वाला साइन माइनस है और दूसरा वाला साइन प्लस है ठीक है चलिए और क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है क्या दे रखा है देखो ट्वेल्व ए का स्क्वायर ठीक है तो वापस से ए माइनस का स्क्वायर हो रहा है तो ए माइनस का स्क्वायर इज क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी अच्छे से बार बार सॉल्व करनी है रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके क्वेश्चन जाद से ज्यादा आपको अपने आप ही आइडेंटिटीज जो है वो मेमोरी में सेट हो जाएगी ठीक है ए की वैल्यू क्या है बेटा ए की वैल्यू है ट्वेल्व ए बी की वैल्यू क्या है थ्री बी देखो मैथ्स को बेटा रटा नहीं जाता है सिंपल सी बात है आप जितना ज्यादा इसको सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा ये आपको बाय हार्ट होती जाएगी ठीक है आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलिए सेट करते हैं फॉर्मुला में ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा दोबारा से ट्वेल्व ए का स्क्वायर आगे माइनस है वो लगा दो और आगे प्लस है वो भी लगा दो बीच की जगह हम हमेशा की तरह खाली छोड़ेंगे बी का स्क्वायर मतलब थ्री बी का स्क्वायर ठीक है बीच में लिखो आप टू इंटू ए ए क्या है ट्वेल्व ए इंटू बी बी क्या है बताओ थ्री बी ये है चलो ट्वेल्व ए का स्क्वायर कितना होगा ट्वेल्व ए का होल स्क्वायर ये स्क्वायर यहां भी आएगा स्क्वायर यहां भी आएगा तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर ट्वेल्व का स्क्वायर कितना होता है स्क्वायर ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन फोर्टी फोर ए स्क्वायर आगे माइनस लगा दिया हमने और हमने इधर प्लस लगा दिया अब थ्री बी स्क्वायर थ्री बी का होल स्क्वायर अब होल स्क्वायर जब भी होता है तो स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होता है दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्री का स्क्वायर और बी का स्क्वायर तो थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन और बी स्क्वायर ठीक है तो ये हो जाएगा नाइन बी स्क्वायर ठीक है और यहां नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे टू ट्वेल्व और थ्री इनको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे तो थ्री टू जा सिक्स और ट्वेल्व सिक्स जा कितना होता है सेवेंटी टू सेवेंटी टू ए बी आ जाएगा ये आ गया आंसर दो लाइन में दो स्टेप्स में आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा दो स्टेप्स चाहिए आपको सिर्फ सॉल्व करने के लिए ठीक है तो ये आपका आंसर आ गया ये फर्स्ट स्टेप ये सेकंड स्टेप दो स्टेप्स के क्वेश्चन है ये सारे ठीक है अब ये भी मैंने एक नंबर वाला लिया है क्यों लिया है नंबर वाला क्योंकि नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं अब नाइनटी नाइन दिख रहा है आपको नाइनटी नाइन को आप क्या लिख सकते हो बताओ हंड्रेड माइनस वन लिख सकते हैं लिख तो सकते हैं मैम हंड्रेड माइनस वन लिख सकते हैं हम इसको ठीक है अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम फिर से सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस बी स्क्वायर यही होता है जी मैम यही होता है ए की वैल्यू क्या है बताओ ए की वैल्यू है हंड्रेड और बी की वैल्यू क्या है बताओ B की वैल्यू है वन चलो पुट करते हैं ए स्क्वायर मतलब हंड्रेड का स्क्वायर माइनस टू इंटू ए ए क्या है हंड्रेड और बी क्या है वन का स्क्वायर ठीक है हंड्रेड का स्क्वायर कितना होता है बताओ टेन थाउजेंड और यहाँ पे कितना हो जाएगा टू इंटू हंड्रेड टू हंड्रेड टू हंड्रेड इंटू वन टू हंड्रेड ही रहेगा ये और प्लस वन ठीक है तो पहले जो टेन थाउजेंड में से टू हंड्रेड माइनस कर लो तो एट हंड्रेड आ जाएगा उसमें ठीक तो तो है? है चलते हैं हम अगले थर्ड आइडेंटिटी पे हमारे जो कि क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कभी इस टाइप से क्वेश्चन आपको मिल जाए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है जब भी बेटा आप ये स्क्वायर देखते हो तो आपको ये याद रखना है कि ये ये पूरा यहां पे जो भी नंबर है 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 उसका होल स्क्वायर ध्यान रखना ठीक है अब ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ अभी बताती हूँ ये नाइन एम का स्क्वायर है ना बेटा ये आपको दिख नहीं रहा है पर ये थ्री एम का होल स्क्वायर है ये छुपा हुआ है दिख नहीं रहा आपको है।, है क्या बताओ देखो थ्री एम का होल स्क्वायर आप करोगे तो सॉल्व करो इसको ये स्क्वायर दोनों पे जाएगा पता है आपको तो थ्री का स्क्वायर आ जाएगा और एम का स्क्वायर आ जाएगा थ्री का स्क्वायर कितना होता है नाइन और एम स्क्वायर कितना होता है एम स्क्वायर नाइन एम क्या यही था मेरा फर्स्ट स्टेप फर्स्ट टर्म स्टेप भी नहीं फर्स्ट टर्म बोलती हूँ मैं ये पहला टर्म जो यहाँ दे रखा है स्क्वायर क्या वो नाइन एम स्क्वायर जो था वो छुपारुस्तम था वो छुपके क्या कर रहा था दिखा नहीं रहा था अपनी शक्ल ठीक है और वो असलियत में क्या था थ्री एम का होल स्क्वायर था जो मैंने यहां लिखा है थ्री एम का स्क्वायर ठीक है अब दूसरे की बात करते हैं फोर एन स्क्वायर ये फोर एन स्क्वायर जो है ना बेटा ये फोर एन स्क्वायर जो है ये टू एन का होल स्क्वायर है बताओ है कि नहीं है कैसे है मैम ये टू यहाँ भी चला जाएगा ये टू यहाँ भी चला जाएगा तो टू जब टू के पास जाएगा तो टू का स्क्वायर हो जाएगा और इधर एन का स्क्वायर टू का स्क्वायर क्या हो जाता है फोर और एन स्क्वायर है कि नहीं तो ये स्क्वायर भी क्या था छुपा हुआ था पर ये असलियत में इसकी शक्ल क्या थी टू एन का होल स्क्वायर थी असलियत में इसकी शक्ल क्या थी बेटा असलियत में इसकी शक्ल थी टू एन का होल स्क्वायर टू एन का होल स्क्वायर अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सॉल्व कैसे करेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी यही फॉर्मूला देखो ए प्लस भी और ए माइनस भी यही सॉल्व करना है हमें तो चलो पुट कर दो ए की वैल्यू बी की वैल्यू पता चल गई ना अब तो देखो यहां मैं लिख देती हूँ ए की वैल्यू कितनी है बताओ यहाँ से देखना है यहाँ से ए की वैल्यू है थ्री एम ए की वैल्यू कितनी है थ्री एम और बी की वैल्यू कितनी है ये इसी स्टेप में से देखना है टू एन बी की वैल्यू कितनी है टू एन ठीक है तो अब हम सॉल्व करेंगे इसको ए प्लस बी करना है राइट तो ए प्लस बी करेंगे तो थ्री एम प्लस टू एन ए प्लस बी और ए माइनस बी करना है तो थ्री एम माइनस टू एन ए प्लस बी और ए माइनस बी आंसर ठीक है ए प्लस बी और ए माइनस बी इज मैं दोबारा से बताती हूँ कि हमने इस स्टेप में से ए और बी की वैल्यूज ली थी यहां जो मैंने ये लिखा है इसमें से ए और बी की वैल्यू ली थी क्यों ली थी क्योंकि ये तो छुपे हुए थे इन छुपे हुए से हमने यहाँ पे निकाला इनकी असली वैल्यू ठीक है तो असली वैल्यू ये है तो यहाँ से हम वैल्यू ले गए ए की और बी की ठीक है और क्वेश्चन देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा अब यहाँ पे एक नंबर वो क्वेश्चन दे रखा है सेवनटीन का स्क्वायर माइनस थर्टीन का स्क्वायर ठीक है अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए ठीक है अब ये फिर से क्या हो गया ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या कर देना है ए प्लस बी और ए माइनस बी नंबर में हमें डायरेक्ट कर देना होता है ठीक है तो ए प्लस बी करोगे तो क्या आएगा सेवनटीन प्लस थर्टीन और ए माइनस बी करोगे तो क्या आएगा सेवनटीन माइनस थर्टीन तो सेवेंटीन प्लस थर्टीन कितना होता है बताओ तीस होता है मल्टीप्लाई ब्रैकेट का मतलब क्या ब्रैकेट खुलेगा तो वहां पे क्या आएगा मल्टीप्लाई आएगा और सेवनटीन माइनस थर्टीन कितना होता है बेटा फोर होता है कितना होता है फोर होता है तो थर्टीन इंट फोर करेगी तो कितना आएगा बताओ वन ट्वेंटी इज दी करेक्ट आंसर क्या है? कितना आएगा वन ट्वेंटी इज दी करेक्ट आंसर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे यहाँ देखो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है

ब्रैकेट खुलेगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा और ट्वेंटी वन में से नाइनटीन गया तो कितना बचा टू बचा राइट right? तो फोर्टी इन टू टू कितना हो गया एट्टी हो गया एट्टी इज दी करेक्ट आंसर ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन पे देखिए फोर्थ आइडेंटिटी और ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और बच्चों को थोड़ी टफ भी लगती है तो थोड़ा ध्यान से देखना है ठीक है x प्लस ए और x प्लस बी ऊपर देखिए क्या दिख रहा है सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पढ़नी है कि आइडेंटिटी दे क्या रखा है उसके बाद आपको क्वेश्चन में थोड़ा समझ में आएगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे x बराबर बराबर होता है बराबर होता है 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 इस चीज के क्या वो अलग बात है, पहले आपको दे क्या रखा है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी तो क्या मुझे यहाँ पे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी जैसा दिख रहा है नहीं मैम नहीं दिख रहा पर देखो इस हंड्रेड एंड वन को मैं बना दूंगी हंड्रेड प्लस वन मल्टीप्लाई बाय इस हंड्रेड एंड टू को मैं बना दूंगी हंड्रेड प्लस टू क्या आप दिख रहा है मुझे ये अब मुझे ये x प्लस ए और x प्लस बी जैसा दिख रहा है हाँ मैम दिख तो रहा है अब इसमें से x क्या है a क्या है b क्या है वो सब लिख देती हूं मैं x तो ऐसी वैल्यू होती है जो दोनों जगह सेम है तो यहाँ पे हंड्रेड और यहाँ पे हंड्रेड आपको दिख रहा होगा दोनों ब्रैकेट में सेम है तो x वो वाली वैल्यू है जो दोनों ब्रैकेट में सेम है तो हंड्रेड हो गया एक्स ठीक है ए क्या है पहले ब्रैकेट में से उठा लो वन ए क्या है वन और बी क्या है बेटा टू तीनों वैल्यूज पता चल गई चलो अब जब तीनों वैल्यूज पता चल गई तो अब तो आपका काम इजी हो गया क्या हो गया काम इजी कि अब आपको सिर्फ पुट करनी है वैल्यू ठीक है तो प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स प्लस आगे ए बी ए बी का मतलब ए मल्टीप्लाई बाय बी ठीक है एक्स स्क्वायर करना है मतलब क्या करना है हंड्रेड का स्क्वायर ए प्लस बी करना है तो ए प्लस बी कर लो वन प्लस टू कर लिया हमने ए प्लस बी और बाहर में एक्स है तो एक्स क्या है हंड्रेड वो लगा दो

बहुत ही इजी क्वेश्चंस ठीक है ये वाली आइडेंटिटी बच्चों को थोड़ा समझने में हार्ड लगती है क्योंकि थोड़ी लेंदी हो जाती है पर हार्ड इसमें कुछ नहीं है बेटा ठीक है बस आपको वैल्यूज पुट करनी है बस आपको क्या पता कर देना है आपको सही से ये पता करना है कि एक्स क्या है ए क्या है और बी क्या है जब ये तीन चीज आपको पता चल गई ना तो आपका काम हो जाएगा ठीक है और देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं तब आपको और अच्छे समझ में आएगा देखो यहाँ पे यहाँ पे आपको फिर अब देखो यहाँ पे ये ये आप आपको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बना के दिया हुआ है दिया हुआ है तो चलो x ढूंढ लो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि x वो वैल्यू है जो कि दोनों ब्रैकेट में सेम है तो यहाँ पे टू ए स्क्वायर और टू ए स्वायर दिख रहा है आपको दोनों जगह सेम हाँ मैम दिख तो रहा है तो x टू ए स्क्वायर ठीक है x हो गया a की वैल्यू हमें कहां से उठानी होती है पहले ब्रैकेट से मतलब की सेवन ए बराबर हो गया सेवन के और बी बराबर हो गया किसके बी बराबर हो गया इस टू के ठीक है तो हमने उठा ली तीनों वैल्यू अब तीनों वैल्यूज उठा ली तो आपको में पुट करना है में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाहर में मल्टीप्लाई में एक्स प्लस ए right? का स्क्वायर तो नहीं, लग तो नहीं लगाया गलत वो स्क्वायर तो वैल्यू वाला स्क्वायर है टू ए स्क्वायर तो x की वैल्यू है ठीक है फिर हमें x के ऊपर भी स्क्वायर लगाना है तो वैल्यू के ऊपर भी हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा राइट right? चलो आगे देखो ए प्लस बी ए प्लस बी क्या हो गया सेवन प्लस टू ए प्लस बी हो गया और एक्स लिख देना है बाहर तो एक्स कितना हो गया टू ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी करना है मतलब सेवन इंटू टू करना है चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा और अब आपको ये भी समझ में आगेगा ये टू जो है ये अलग अलग जाता है ये टू यहाँ भी जाएगा ये टू यहाँ भी जाएगा तो टू जाएगा टू के स्क्वायर पे तो बना देगा फोर और ए देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ टू ए स्क्वायर का स्क्वायर अब ये टू यहाँ जाएगा पहले तो टू का स्क्वायर बना देगा और ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर तो टू का स्क्वायर तो कितना हो जाता है फोर और ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे ना तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर साइड एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था कि एक पावर अंदर हो और एक पावर बाहर हो तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो ए की पावर टू और टू हो जाएगा तो 2 2, 4 हो जाएगा ये ठीक है तो ये फोर ए की पावर फोर हो जाएगा फोर ए की पावर फोर प्लस सेवन प्लस टू कितना होता है नाइन और नाइन को मल्टीप्लाई करना है टू ए स्क्वायर से वो तो ठीक है सेवन टू जहा कितना होता है फोर्टीन कर लिया हमने ये अब यहाँ फोर ए फोर वैसा का वैसा आ जाएगा प्लस ये नाइन और ये टू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो नाइन टू जा कितना हो जाएगा बेटा एटीन हो जाएगा एटीन ए स्क्वायर प्लस फोर्टीन ठीक है ये बन गया आपका ये बन गया आपका सॉल्यूशन ठीक है जिनको भी नहीं समझ में आया बेटा आपको क्या करना है कि आपको वीडियो दोबारा से एक बार रिवाइंड करके जरूर देखना देखिए बेटा क्या होता है ना वीडियो को मैं समझाने के लिए एक क्वेश्चन को चार बार भी यहाँ पे समझा सकती हूँ पर होता क्या है ना कि वीडियो से बहुत लेंदी हो जाती है ठीक है तो मेरे चार बार बोलने से अच्छा है कि आप वीडियो को चार बार रिवाइंड करके देखिए बल्कि तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है ठीक है ऐसा नहीं एक बार में मैं कुछ कम बताती हूँ दूसरे बार में इससे ज्यादा बता दूंगी पहली बार में ही मैं बहुत अच्छे से बता देती हूँ ठीक है फिर भी आपको कोई डाउट है समझने के बाद भी आपने दो बार देखा तीन बार देखा चार बार देखा स्टिल डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करिएगा मैं अलग से doubt class से डाउट क्लास लेके आपको दोबारा समझा दूंगी ठीक है ए प्लस बी सॉरी एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दे रखा है क्या दे रखा है एक्स प्लस ए दे रखा है और एक्स प्लस बी दे रखा है अब वैल्यू ढूंढ लो एक्स क्या है बताओ एक्स तो वो वैल्यू जो सेम है सेम क्या है टू पी और टू पी तो एक्स हो गया टू पी ए कौन सी वैल्यू है पहले वाले ब्रैकेट में से उठाना है तो ए है थ्री क्यू और बी कौन सी वैल्यू है दूसरे वाले ब्रैकेट में से उठाना है तो ये क्या हो गया फाइव क्यू ठीक है ये आपकी वैल्यूज है चलिए अब हम इसको किस में पुट करेंगे हमारे फॉर्मूला में फॉर्मूला क्या है हमारे पास बेटा फार्मूला है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी ठीक है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब टू पी एक्स की वैल्यू क्या है टू पी और उसका स्क्वायर ए प्लस बी तो ए प्लस बी करो टू क्यू सॉरी और बाहर बाहर रखना रखना है मतलब बाहर 2P रखना है मतलब बी क्या होगा थ्री क्यू इन टू फाइव क्यू चलिए सॉल्व करते हैं अब ये टू पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर पी स्क्वायर प्लस थ्री क्यू और फाइव क्यू को ऐड करेंगे तो कितना आएगा एट क्यू और उसको मल्टीप्लाई करना है मुझे किससे टू पी से आगे देखो थ्री क्यू और फाइव क्यू को मल्टीप्लाई करना है थ्री क्यू एंड फाइव क्यू को मल्टीप्लाई करना है तो हमेशा याद रखना है नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं फाइव सीजा फिफ्टीन हो जाएगा और q और q को आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वेरिएबल को मल्टीप्लाई करो तो क्यू स्क् हो जाएगा तो ये क्या आ गया फिफ्टीन क्यू स्क्वायर क्या गया ये फिफ्टीन क्यू स्क्वायर ठीक है और नीचे सॉल्व करो तो यहां देखो नंबर नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये 8 और ये टू तो मल्टीप्लाई हो जाएगा एट टू जाएगा तो पहले यहां लिखो स्क्वायर और और p और q आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा पी क्यू आएगा पी क्यू मल्टीप्लाई होगी क्या ही बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे बस लिख दो पी क्यू फिफ्टीन क्यू स्क्वायर ठीक है ये बन गया आपका आंसर ठीक है ये ही आपका आ गया क्या यही आपका आ गया बेटा आंसर ठीक है थोड़े स्टेप्स इसके ज्यादा है तीन चार स्टेप में होने वाला क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको वैल्यू प, मैं बार बार बोल रही हूं एक्स की वैल्यू पता चल गई ए की वैल्यू पता चल गई बी की वैल्यू पता चल गई तो आपके लिए बहुत ईजी है ठीक है इसी के साथ हम ये वीडियो बेटा एंड करते हैं यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस हमारे हो जाते हैं एंड हमने एलिजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी आज जिसमें चार आइडेंटिटीज आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है जिससे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैंने वही आइडेंटिटीज ली थी और मैंने उसी क्वेश्चन आपको ज्यादा सोल्व करवाए हैं ठीक है अब अगर आपको पहली बात तो मैं ये बता देना चाहती हूँ इन सब का इन सब का आपको कोई भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है इन सब की पीडीएफ आपको कहा मिल जाएगी बेटा पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे कहा मिल जाएगी पीडीएफ पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे ठीक है अब टेलीग्राम चैनल कौन सा है मैम तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के नीचे आप लोगों को पता है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है ठीक है जब आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलेंगे तो वहां पे एक लिंक है आपको उस लिंक पे क्लिक करना है और क्लिक करते ही आपको चैनल पे आप जो है वो पहुंच जाएंगे उसके बाद सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि चैनल को ज्वाइन कर लेना है ठीक है चैनल को ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको सारी पीडीएफ सब कुछ जो भी मैं शेयर करती हूँ वो सब इजीली मिलता रहे अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं अगर आप मेंबर है चैनल के तो आपको सारी चीजें इजीली मिल जाती हैं ठीक है तो आपको चैनल को ज्वाइन कर लेना है ठीक है अब उसके बाद अगर आपको वीडियो पहली बात तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही है समझ में आ रही है तो इसको पक्का लाइक करना है वीडियो को ठीक है और शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा ठीक है क्या होता है बेटा कई बार बच्चे ना सिर्फ इसलिए प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास प्रिपरेशन करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता है ठीक है तो इसलिए आपको क्या करना है चैनल को लाइक करना है सॉरी वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा अपने आस पड़ोस में शेयर करिए अपने स्कूल में अपने फैमिली में फ्रेंड्स में सब में शेयर करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ठीक है और ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इन सब चीजों की तभी ये वीडियो आपके लिए अगर आप नॉर्मली क्लास एट या फिर क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट है तो ये वाला जो यहाँ पे जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं ये आपकी बेसिक को ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग करने वाला है बहुत ज्यादा बूस्टअप करने वाला है ठीक है आगे आप लोग बोर्ड देने वाले हैं वहां पे आपको ड्रास्टिक चेंज फील होगा अगर आप ये वाला बैच लेते हैं ज्वाइन करते हैं पूरा और अच्छे से इस बैच को पूरा देखते हैं तो ठीक है रिलीजियसली अगर आप फॉलो करते हैं इस बैच को तो आपको बहुत ज्यादा अपने टेंथ बोर्ड में फायदा दिखेगा क्यों क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है मैथ्स का मतलब है सिर्फ क्वेश्चन आना तो मैथ सिर्फ क्वेश्चन आना नहीं होता है ठीक है बहुत चीजें थ्योरिटिकल पता होनी चाहिए जो कि मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ आपको ठीक है मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना